दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच के सुपर हीरो ईशान किशन ने मुकाबला जिताने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रिसीव करते हुए कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों भारतीय उनके फैन बन गए हैं और उन्होंने सारे देश का दिल जीता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या ईशान किशन को अब शिखर धवन की जगह बतौर ओपनर हर मैच में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे T20 मैच को जिताकर ईशान किशन ने अपने नाम की छाप हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल पर छोड़ी है। आपको बता दें कि डेब्यू कर रहे ईशान किशन ने एक मैच विनिंग पारी खेली। एक योद्धा की तरह बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आज टॉप ऑर्डर को फ्लॉप होने से बचाया। इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम को 165 रनों का लक्ष्य मिला था। केएल राहुल शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन मजाल है कि ईशान किशन के माथे पर एक भी बार शिकन आई हो। ईशान किशन ने बेबाक बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में चौके और छक्के जड़े और एक समय पर सबको ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन अपना कोई पहला नहीं बल्कि 10वां या 20वां मुकाबला खेल रहे हों। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने आप को क्रीज पर सेट किया बल्कि विराट कोहली के साथ मिलकर बड़े शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे भी बढ़ाया। उससे भी बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि इंग्लैंड की टीम जो कि ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 है, जिसके पास दुनिया के सबसे शानदार तेज गेंदबाज हैं, उन्हें भी आज ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी के स्किल से आड़े हाथ ले लिया। चौके और छक्के जड़ते हुए ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और लगभग 175 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 4 छक्के जड़कर अपनी 32 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत ने भी अच्छी 26 रनों की और कप्तान विराट कोहली ने 73 रनों की विशाल पारी खेली जिसने पूरे मैच को जिता दिया। लेकिन असली सुपर हीरो तो आज के ईशान किशन हैं, जिनकी हर जगह तारीफ की जा रही है और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया है। लेकिन ईशान किशन ने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि ईशान किशन ने अपने बयान में क्या कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर खिलाड़ियों को श्रेय देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस बात का साहस दिया कि मुझे आकर अपना गेम खेलना है। यकीनन एक ऐसी टीम जो कि इस समय T20 के शिखर पर है उसके सामने खेलना आसान नहीं था। साथ ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुंबई इंडियंस में खेले गए सभी अनुभव और अनुभवी खिलाड़ियों का। उस मोमेंटम ने आज मुझे खेलने में बहुत ही ज्यादा मदद की है। मैं चाहता था कि मैं आज के गेम को फिनिश करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। टॉम करन को लगाया गया वो पहला छक्का हमेशा याद रहेगा मुझे। वैसी फीलिंग शायद ही कभी क्रिकेट खेलते हुए आएगी। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने सभी कोचेस, अपने सभी सीनियर खिलाड़ियों का जिन्होंने मेरी मदद करी। साथ ही मेरी ये डेब्यू इनिंग्स मेरे कोच के पिता के नाम है जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। मेरे कोच ने मुझे मैच से पहले कहा था कि तुम्हें एटलीस्ट 50 रन तो बनाने हैं मेरे पिता के लिए और मैं बहुत ही खुश हूं और मैं यह पारी उन्हें डेडिकेट करता हूं। दोस्तों ईशान किशन ने बल्ले से नहीं बल्कि अपने बॉल से भी सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों यह खिलाड़ी वाकई में शानदार है और आखिरकार सालों की मेहनत जो इन्होंने IPL और विजय हजारे सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करके कमाई वो आज उनकी पारी में दिखाई भी दी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या ईशान किशन को T20 और वनडे में बतौर ओपनर खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।